भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में देखा जा रहा है कई ऐसे सांसदों के टिकट काटते हुए नजर आए, और बिहार में अश्विनी चौबे बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन टिकट काट दिया जाता है। अब वो ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो बक्सर से कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो क्या बागी तेवर आजमा रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मैं बक्सर से कहीं नहीं जाऊँगा और नामांकन की जो तारीख है वो भी दूर है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वो बीजेपी के लिए खुली चुनौती देते हुए नजर आते हैं कि जिस तरह से आपने मेरा टिकट काटा है मैं भी यहाँ पर आपके खिलाफ जो है बागी तेवर दिखाऊंगा। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो निर्दलीय जा सकते हैं या फिर कोई पार्टी उनको यहाँ से उतार सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि कई बीजेपी के जो नेता हैं जो विरोध में रहे बीजेपी के वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए या फिर किसी और दल में चले गए, और ऐसे में कई ऐसे भी हैं जो निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। पवन सिंह का उसमें नाम मुख्य रूप से कि जिस तरह से आसनसोल से उनको टिकट दिया गया लेकिन वो काराकाट से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये देखने वाली बात हुई कि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो नाराज हो रहे हैं, और ऐसे में नाराजगी बीजेपी के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है। आपने अश्विनी चौबे का जिक्र किया, लगातार वो यही बात कह रहे हैं कि जिस तरह से मैंने पार्टी के लिए दमखम से काम किया है, पार्टी को मजबूत किया है, शायद पार्टी ने मुझे उसका ही सिला दिया है कि मेरे टिकट यहाँ से काट दिया गया। वैसे में जिस तरह से उनके बागी तेवर नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से उनकी नाराज़गी नज़र आ रही है, वो ये बताती है कि आने वाले वक्त में वो कोई बड़ा खेल यहाँ से कर सकते हैं। चूँकि बिहार में पहले भी बीजेपी को लेकर तमाम सारी खबरें थी कि जो उनके कुनबे के लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, ऐसे में जेडीयू उनके साथ आ गई, चिराग पासवान को उन्होंने जो है 4 से 5 सीटें दे दी, वहीं पशुपति पारस को बाहर कर दिया, इसके अलावा मुकेश सहनी कहते रहे उनको जो है कोई भी सीट नहीं दी, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी के लिए मुश्किल आने वाले दिनों में बिहार के अंदर बढ़ती हुई नजर आ सकती है।